हमारे प्रेरणा पुरुष भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती सुशासन दिवस के शुभ अवसर आज मंडल हरदत्त नगर गिरंट में किसान संवाद कार्यक्रम, जिसको माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किसानों से वार्ता किए हैं। उक्त कार्यक्रम में जिला संगठन द्वारा तय योजना अनुसार आज कार्यक्रम में बतौर मुख्य वक्ता जिला उपाध्यक्ष भाजपा श्रावस्ती व मंडल प्रभारी महेश मिश्र ओम जी के उपस्थिति रहकर केंद्र सरकार की किसानों के कल्याण के लिए संचालित सैकड़ों जन कल्याणकारी योजनाओं को उपस्थित किसानों व कार्यकर्ताओं को बताया। ओम ने कहा कि मोदी जी की सरकार किसानों के साथ है। भाजपा सरकार में न्यूनतम समर्थन मूल्य में ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई है वर्ष 2019 से 2020 में, और 2013 से 2014 की तुलना में ढाई गुना राशि से MSP मूल्य पर धान गेहूं क्रय किया है। पीएम किसान सम्मान योजना के माध्यम से किसानों के खेतों में 95,979 करोड़ रुपयों का हस्तांतरण हुआ था। 10 करोड़ किसान परिवार लाभवंती हुए हैं। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष श्री रमेश सिंह जी, जिला उपाध्यक्ष युवा मोर्चा श्री महेश यादव मंटू जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष श्री बदलू राम यादव जी, श्री रामचंद्र यादव जी, मंडल महामंत्री श्री ललिता त्रिपाठी जी, उपाध्यक्ष श्री विशंबरनाथ श्रावस्ती जी, श्री दिलीप वर्मा जी, ओंकार सोनी, इकबाल बहादुर सिंह, अजय सिंह, अजय मिश्रा, दीप वर चंद्र वर्मा, अरुण वर्मा सहित सैकड़ों किसान उपस्थित रहे। यूपी लाइव 100 से बुजुर्ग अहमद की स्पेशल रिपोर्ट। संवाद के जरिए किसानों के मसले पर बातचीत करेंगे, किसानों को लेकर बात करेंगे, संवाद करेंगे उनसे। और उससे पहले कई मंत्रियों ने मोर्चा संभाला हुआ है, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश और कई जगहों पर अलग अलग केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता किसानों से संवाद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री खासतौर पर आज अटल संवाद के जरिए किसानों के मसले पर बातचीत करेंगे। अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि किसानों से खुले मन से चर्चा के लिए सरकार तैयार है, वो आए, हर एक बात पर खुलकर बातचीत होगी,